हेलो, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। आज मैं मफिन्स बनाने जा रही हूँ। क्रिसमस के मौके पे सभी को बहुत मन करता है केक बनाने का, मफिन्स बनाने का। तो आज मैं मफिन्स बनाऊंगी। तो मफिन्स में आज हम दो तरीके के मफिन्स बनाएंगे, ऑरेंज मफिन्स एंड चॉकलेट मफिन्स। और ये भी रेसिपी ऐसी है जिसमें इंग्रेडिएंट्स हमारे बहुत ही जो भी रोज के होते हैं, रोज के हमारी रसोई में होते हैं, वही हम इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल रहे हैं। आज हम योगर्ट से मफिन्स बनाएंगे। तो इसमें डालने के लिए क्या सामान की जरूरत है दिखाते हैं, बताते हैं आपको। ये मैंने आधा कप योगर्ट ले लिया है और इसमें हमने आधा कप चीनी जो पीस ली है और 1 कप प्लेन मैदा, यानी प्लेन फ्लोर ले लिया, मैदा ले लिया। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 1/4 कप रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। और हमने अभी आधा 1/4 कप मिल्क लिया हुआ है। ये कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। और ये ऑरेंज जूस है, ये भी मैंने 1/4 कप ले लिया है। अब इसके सबसे पहले हम ये मैदा लिए हैं, मैदा को हम छान लेते हैं। मैदा में हम ये सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों चीज मिला लेते हैं। अब इसको अच्छे से छान लीजिए। ये मैदा, सोडा, बेकिंग पाउडर तीनों चीज को मिला के मैंने छान लिया है। अब एक बोल ले लेते हैं, इसमें अब ये कर्ड मिला लेते हैं। कर्ड भी हमारे रूम टेम्परेचर में ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम इसको थोड़ा सा फेट लेते हैं, क्रीम फॉर्म में कर लेना है। और इसमें हम ये शुगर डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लीजिए, एकदम क्रीम फॉर्म में हो जाए इतना मिला लीजिएगा। ये देखिए शुगर इसमें अच्छे से मिल गई है। अब इसमें हम ये धीरे धीरे से मैदे का मिक्सचर डालेंगे और धीरे से इसमें मिलाएंगे। इसी तरह से मैंने सारी मैदा मिला दी है। अब इसमें हम, ये हमारा बेसिक मिक्सचर तैयार हो गया। ये अभी देखिए काफी हार्ड है, तो इसको एक्चुअली हमको बनाने हैं दो तरीके के मफिन्स, ऑरेंज एंड चॉकलेट। तो इसमें अब हम ये क्या करेंगे, जो आधा इसका मिक्सचर है इसको हम ऑरेंज में डाल देंगे। आधे में हम ये चॉकलेट का मिक्सचर बना देंगे जो मैंने दूध लिया हुआ है। इसमें हम ये चॉकलेट कोको पाउडर डाल देते हैं और ये मिक्स कर देंगे। इसको एक बार हम ये स्ट्रेनर या छन्नी ले लेते हैं और इसमें इसे डाल के इसको फिर इसको मिलाएंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट का मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें हमने जो दूध लिया था 1/4 कप, उससे थोड़ा सा कम दूध पड़ा हुआ है। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह से फ्लोइंग होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से मिल्कमेड की तरह से। एक ही हमारा डो तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से चॉकलेट का तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसको पहले धीरे धीरे से मिला लेंगे। ये देखिए ऑरेंज का भी हमारा पेस्ट बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें 1/2 आप रिफाइंड ऑयल डाल देते हैं, आधा इसमें डाल देते हैं, आधा इसमें डाल देते हैं और इसको मिला लीजिए। ये देखिए दोनों के बैटर एक साथ हमारे लिए तैयार हो गए हैं। अब हम इनके बनाते हैं मफिन्स। अभी हमें मफिन्स के लिए आप मोल्ड भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी सामान हो।
और इस तरह से कटोरियां हो तो उन पे भी बन सकते हैं मफिन्स। इनको हम पहले ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। जैसे देखिए हमने सारे कटोरियों को ग्रीस कर दिया है, अब इसमें हम ऑरेंज के मफिन्स के लिए बैटर डाल देंगे। इसमें इतना बैटर डालेंगे बस करीब आधा कटोरी हो, इस तरह से डाल देते हैं। इसी तरह से हम चॉकलेट के भी डाल देते हैं, ये भी आधी आधी कटोरी डालेंगे। इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में आप बनाएं तो 180 डिग्री पे आप प्रीहीट कर लीजिए ओवन को, और उसके बाद इतने बैटर के लिए करीब, अगर आप सारे बैटर का एक साथ बनाते हैं तो कम से कम 20 मिनट आपको लगेंगे, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से वेरी करता है टाइम। अगर क्वांटिटी कम होगी तो माइक्रोवेव में ओवन में जल्दी बनेगा, और अगर ज़्यादा होगी तो उतना ही टाइम लगता है। अब इसको हम माइक्रोवेव में रखने जा रहे हैं। माइक्रोवेव में हम पावर लेवल हाई करके इसको हम एक मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। एक मिनट हो चुके हैं, चलिए अब माइक्रोवेव खोल के देखते हैं। चाहे चॉकलेट के मफिन्स हो चाहे ऑरेंज के मफिन्स हो, कितने अच्छे से फूले हुए हैं। अब इनको हम निकाल के अब इनकी हम आइसिंग करते हैं। आइसिंग क्योंकि क्रिसमस का मौका है तो कुछ डिफरेंट स्टाइल से इसकी आइसिंग करेंगे। इनको हम ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अभी चॉकलेट मफिन्स हमारे ठंडे हो गए, चलिए अब इनकी आइसिंग करते हैं कुछ मज़ेदार सी। सबसे पहले हम इसमें साइड्स लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम एक ओरियो बिस्किट इस तरह से रख देंगे, और इसके ऊपर हम इस तरह से आइसिंग करेंगे कि ये लगे हेयर्स हैं हमारे। इस तरह से हमने कर दी। अब इसके ऊपर हम आइस बनाएंगे। इनके ऊपर हम आई बॉल के लिए एक एक चॉको चिप लगाते हैं, और ये एक स्ट्रॉबेरी का मैंने इस तरह से ट्रायंगल शेप में काट लिया है, इसको हम एज अ टंग ये लगा दिए। देखिए कैसी लगी आपको ये आइसिंग, बढ़िया लगी हो तो जरूर मेरे को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब चलिए बनाते हैं ऑरेंज की मफिन्स। ऑरेंज मफिन्स की भी हम आइसिंग करते हैं। ये एक्चुअली ऑरेंज मफिन्स हैं तो हम इसमें ऑरेंज का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसमें पहले हम इस तरह से वाइट आइसिंग लगा देते हैं, वनीला आइसिंग। उसके बाद हम इसमें ये लगाते हैं। अब इसके बाद हम इसकी इस तरह से इसमें हम
इसके पीछे हम थोड़ा सा इसको सपोर्ट दे देते हैं। तो ऐसे इनके हेयर बना देते हैं। दो आईज लगा देते हैं और इनके ऊपर अब हम एक कैप लगा देते हैं। ये देखिए, अब इसके बाद हम इसकी ऐसी इस तरह से इसमें चॉकलेट से फिर इसकी फिलिंग कर देते हैं। हमारे सेंटा क्लॉज तैयार हैं, हमारे डबल्स तैयार हैं। तो एक क्रिसमस के खास मौके पे इस तरह से हम मफिन्स बनाएंगे तो कोई भी खाए बगैर नहीं रह सकता है और बनाने में भी बड़ा मजा आता है। तो इसी तरह आप भी बनाइए और आप बताइएगा आपको मफिन्स कैसे लगे। मेरी ईमेल आईडी kavitadashyam@gmail.com और मेरा फेसबुक पेज है kavitadashyam, तो उसमें भी आप लाइक कर सकते हैं या अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आगे भी रेसिपीज आती रहेंगी, आप उनको देखते रहेंगे, आशा आपको पसंद आएंगी। नमस्कार।